से बच्चों का हमारे एसपी एकेडमी रामला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज फिर हम अपना एक सेवन्थ क्लास के बच्चों के लिए एक लेक्चर लेकर हाजिर हुए हैं, ठीक है। और हमारी वन और टू एक्सरसाइज जो काफ़ी लेंथी थी वो कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अब हम बात करते हैं अपने एक नए अध्याय की और, ठीक है। सरल समीकरण, इसका अध्याय नंबर है हमारा चार, ठीक है ये। और सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशन, ठीक है, जिसका नाम है। तो आज हम उस पर चर्चा करते हैं। पहले हम इसकी जो छोटी छोटी बेसिक बातें हैं उन पर हम चर्चा करते हैं कि समीकरण क्या होगा, ठीक है, उनकी हम अच्छे से जानकारी, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा चैप्टर है सरल समीकरण। अपने को x प्लस ई मिलता है और
एक्स की जगह अपना यहाँ तीन रखो, कितना रखो तीन, तो रखो बच्चों तीन प्लस तीन कितना आएगा छः, यानी ये जीरो तो नहीं आया ना, जीरो के बराबर तो नहीं आया ना, छः आया है। यदि मैं एक्स के स्थान पर ऐसी कोई भी वैल्यू रख दूँ बच्चों कि हमें मान जीरो मिले, क्या मिले जीरो मिले, तो वो समीकरण को संतुष्ट करेगा, पहले में ये नहीं करेगा। दूसरे में देख लीजिए, इसी प्रकार से बच्चों आपने सारे के सारे जो चेक करने हैं कि कौन कौन से संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम प्रश्न नंबर बात करते हैं दो की, संतुष्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे। मैंने आपको बता दिया कि यदि आपको बराबर में जीरो मिल जाए एक्स की वैल्यू रखने पर, कोई भी वैल्यू रखने पर समीकरण में, तो आपको जो मान है वो उसको संतुष्ट करेगा। जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान, दिए गए समीकरण, दिए गए संकर समीकरणों के हल है या नहीं, ठीक है। तो हमें पहला मान देखना है कि ये मान है या नहीं है, सही है या नहीं है, ये चेक करना है। क्या दे रखा है, n प्लस फाइव बराबर में बच्चों, हम यदि यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं तो n बराबर आ जाएगा मेरे पास 19 माइनस में 5, तो मेरे पास 19 में से 5 का तो मेरे पास तो 14 आना चाहिए। अब इसमें यानी कि n का मान क्या दे रखा है बच्चों, 1 दे रखा है, तो n का मान इसमें क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो ये संतुष्ट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा करते हैं इसका 7n प्लस में 5 बराबर में 19। अब देख लेते हैं बच्चों, ये आ गया 7n बराबर 19 माइनस में 5 करो तो 7n बराबर में आ जाएगा 14, n की वैल्यू यहाँ से 7n बराबर 14 आ गया, n की वैल्यू निकालोगे तो 14 बटा में बच्चों 7 आएगा, यानी 14 7 में 14 ही n का मान 2 आ जाएगा। अब ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि n का मान उसने क्या दे रखा है बच्चों, माइनस का 2 दे रखा है। इसी प्रकार से बच्चों आपने सभी मानों को जो है वो चेक करना है, ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब बात करते हैं बच्चों हम प्रश्न नंबर 3 की, तो जो प्रश्न नंबर 3 है वो कह रहे हैं प्रयत्न और मूलभूत विधि से समीकरणों को हल कीजिए, ठीक है जी। तो तीसरे का फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं बच्चों, उसने देखा है 5p प्लस में 2 बराबर 17। प्रयत्न का मतलब है कि हम यहाँ कोई भी एक वैल्यू रखें यहाँ p की, उसको संतुष्ट करें, और मैं यहाँ कितना रख सकता हूँ बच्चों, तो पहले हम दूसरी विधि देख लेते हैं। यहाँ तो आपको ये पता होगा कि मैं यदि यहाँ p की वैल्यू 3 रखूँ, का मान कितना रखूं 3 रखूं, ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5 गुणा 3 प्लस 2, 5 या 15, 15 प्लस 2 कितना आ जाएगा 17, तो 17 सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, सही आ रहा है, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकंड के अंदर क्या करना है बच्चों, आपको 5b प्लस 2 बराबर दे रखा है 17, 5b बराबर कितना आ जाएगा 17 माइनस में 2 आ जाएगा, और 5b बराबर कितना आएगा 15, 5p बराबर आ चुका है 15, p की वैल्यू निकालिएगा तो 15 बटा में 5 यानी कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा, ठीक है। एक तो आपने खुद दिमाग से सोच कर रखना है कि क्या रखें, और दूसरा जो है वो आप निकाल सकते हो खुद इस प्रकार से जैसे मैंने निकाला है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर बच्चों 4 की, सेकंड आप खुद करिएगा। प्रश्न नंबर 4 के अंदर ये कह रहा है निम्नलिखित तत्वों के लिए समीकरण लिखिए, संख्याओं x और 4 का योग 9 है, ठीक है। तो चौथे का पहला करना है, हमें समीकरण तैयार करना है। ये कह रहे हैं x और 4 का योग 9 है, तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं बच्चों, x व 4 का योग बराबर है 9, योग का मतलब x और 4 को जोड़ोगे तो बराबर में 9 आ जाएगा, यही बच्चों हमारा आंसर है बस, ठीक है। सेकंड y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, इसका सेकंड जो है y में से यदि आप 2 कम करोगे ना
आपको 8 प्राप्त हो जाएगा, ये भी सही है। अब a का 10 गुना 70 है। अब तीसरा देख लीजिए, इसका a का गुना किया 10 से तो वो 70 है, यानी 10 से बराबर क्या आ जाएगा 70। चौथा पार्ट देख लेते हैं इसका, संख्या b को 5 में 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। b को 5 से तो 5 बटा b करेंगे ना, b को 5 से भाग देने पर b बटा में 5 तो बराबर में कितना मिलेगा बच्चों आपको, 6 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 6। तो ये हमारा आंसर है। मतलब इस प्रकार से आपने इन जो आपको प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है, उन प्रश्नों को आपने सॉल्व करना है बस। अब मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं बच्चों, इसका 7 नंबर। 7 नंबर में क्या करें, एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है, यानी x का ऋण का मतलब क्या होता है -4, यानी x का x की चौथाई का मतलब होता है x में 4 का भाग देना, ठीक है। तो -4 भाग को 4 देगा वो, यदि आप y के 6 गुणे में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होगा। काफी इजी है बच्चों ये, ठीक है। अब यदि मैं इसका ये वाला बताऊं ना आपको, 8 नंबर, तो क्या कह रहे हैं कि y के 6 गुणे, यानी y का 6 गुणा करोगे तो 6y, अब 6 घटाएं तो आपको वो कह रहे हैं कि 60 प्राप्त हो जाएगा। बस ऐसे करके आपने जो लैंग्वेज बोल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 की बात हम करते हैं बच्चों, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। सामान्य कथनों के रूप में लिखना है, p+4 बराबर 17 है, ठीक है। आपको जैसे मैंने प्रश्न नंबर ये 2 बताया था, उसी प्रकार से बच्चों आपने इनको सामान्य कथनों के रूप का मतलब है p की वैल्यू आप निकालो, यहां से प्लस का 4 है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा 11, p का मान 11 हो जाएगा। सभी की यहां से वैल्यू निकाल दिया। और प्रश्न नंबर जो 6 है बच्चों, वो भी सेम प्रश्न नंबर 4 की तरह ही है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम अपने 4.2 की बात करते हैं।
बराबर आ जाएगा 48 बटा में 3, यानी कितना आ जाएगा 16। n का मान कितना आ जाएगा 16। ठीक है बच्चों, और जो चौथा प्रश्न है वो भी सेम इसी प्रकार से है बच्चों। ठीक है, सभी के अंदर आपको n की वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है, और इसके साथ ही बच्चों हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। 4.1 एंड 4.2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है बच्चों, और नेक्स्ट लेक्चर में हम 4.3 एंड 4.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आपका काम कंप्लीट होना चाहिए, और जो आपके टेस्ट में